है hey गर्ल्स मैं हूं दीपिका शर्मा एंड वंस अगेन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो आज का जो हमारा वीडियो है ना ये मिंत्रा से मिंत्रा हमेशा बहुत ही अमेजिंग और एक्साइटिंग से, से अप्रोच करता रहता है तो जैसे कि अभी थर्टी फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है मिंत्रा हिरो सेल्स जहाँ आई थिंक सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप्स होती है जहाँ पे आपको फिफ्टी टू नाइन परसेंट तक ऑफ मिल जाएगा आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पार्टी वियर हो जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुर्ता सेट विद दुपट्टा और प्यारी प्यारी सी कुर्ती जिसे आप पार्टी वियर के लिए या फिर किसी भी ओकेजन फेस्टिवल में आप वियर कर सकते हो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन है आज का और आज के कलेक्शन में से अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हो तो सारे ही ड्रेसेस के लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं जहाँ पे जाके आप बहुत ही इजिल इन्हें बाय कर सकते हो तो अब बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो तो बस मैं स्टार्ट करूंगी मेरी फेवरेटन ड्रेस के साथ में वैसे तो आज का सारा ही कलेक्शन मेरी पसंद का है ऑफ कोर्स तो सब कुछ मुझे बहुत पसंद है पर फिर भी ना ये वाला मेरा फेवरेट है आज की कलेक्शन में से ये जो है ना अनारकली कुर्ता सेट है आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा इसका कलर इतना ज्यादा प्यारा है ना और बहुत ही खूबसूरत सा ये कुर्ता है अनारकली कुर्ता है पिंक कलर का उस पूरे में आपको फ्लोरल प्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा काफी प्यारा और काफी खूबसूरत सा कुर्ता है वी नेक मिल रहा है आपको इसके फ्रंट में राउंड नेक के साथ में छोटा सा वी सेप में कट दे रखा है और उसके नेक पे ना जरदूजी का वर्क किया गया है काफी खूबसूरत सा और प्यारा सा वर्क है आप पास से देख सकते हो बैक में आपको इसमें राउंड नेक मिलने वाला है स्लीव जो है इसकी थ्री फोर्थ स्लीव है और स्लीव्स पे भी आपको कुछ लेस देखने के लिए मिल जाएगी काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा प्यारी लग रही है बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है और बहुत ही प्यारा सा इसका प्रिंट है इसका जो फ्लेयर है ना काफी ज्यादा अच्छा है आप देख सकते हो काफी अच्छा खासा सा इसका फ्लेयर है और काफी ना रिच सी लग रही है ये वेयर करने के बाद इतना रिच सा लुक दे रही है ना क्लासी सा बहुत ही प्रीति सा लग रहा है कॉटन ब्लेंड इसका मटेरियल है और इसका जो फ्लेयर है ना कलियों को जोड़ जोड़ के इसका फ्लेयर रेडी किया गया है इसके बॉटम में आपको फिर से ऐसी लेस देखने के लिए मिल जाएगी जरदोजी का वर्क किया हुआ है काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है काफी ज्यादा रिच साइज का लुक दे रही है कुर्ती की जो लेंथ है ना आपकी काफ लेंथ तक रहने वाली है कॉटन ब्लेंड इसका मटेरियल है और इसके अंदर ना आपको कॉटन का अस्तर भी मिल जाएगा अस्तर का जो फेब्रिक है ना काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का अस्तर किया गया है और बॉटम में पूरी ड्रेस में आपको इसमें अस्तर मिल जाएगा आप देख सकते हो पूरी फुल ड्रेस में इसमें अस्तर है

वन थाउजेंड में आपको इतनी अच्छी ड्रेस मिल रही है यार और क्या ही चाहिए इसके बॉटम में मिल रहा है आपको प्लाजो पिंक कलर का प्लाजो है ये फुली इलास्टिक है आप देख सकते हो फ्रंट में और बैक में दोनों ही साइड में इसमें इलास्टिक दे रखा है सेम ही मटेरियल है इसका भी कॉटन ब्लेंड इसका मटेरियल है और इसके ना बॉटम में आपको फिर से वैसे ही लेस देखने के लिए मिल जाएगी चरदूजी का वर्क करके वो लेस लगा रखी है काफी तो खूबसूरत लग रही है गोल्डन कलर की लेस लगा रखी है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है इसकी जो लेंथ है आपके एंकल लेंथ तक रहने वाली है इसके साथ में आपको मिल रहा है दुपट्टा सेम पिंक कलर का इसमें दुपट्टा मिल रहा है दुपट्टे का जो मटेरियल है ना सिल्क सिफोन है तो काफी ज्यादा लाइट वेट है और काफी अच्छे से आप इसे कैरी कर सकते हो पूरे दुपट्टे पे आपको चारों तरफ ऐसी लेस देखने के लिए मिल जाएगी जो ओवरऑल पूरे दुपट्टे पे मिल रही है दुपट्टे की जो लेंथ है ना काफी ज्यादा अच्छी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दुपट्टा यूज किया गया है काफी लाइट वेट सा है वियर करने में भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही प्रीटी सी और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है तो मेरी तरफ से ना ये आज की एक मस्ट है ड्रेस है आपको ना ये ड्रेस जरूर ट्राई करनी चाहिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्रेस है तो हमारी नेक्स्ट ड्रेस है ऑलिव ग्रीन कलर की ये ड्रेस है और इसकी जो ब्रांड है ना इंडो एरा इसकी ब्रांड है काफी अच्छी ब्रांड है गर्ल्स और इसमें ना आपको स्ट्रेट कुर्ता मिल रहा है फ्रंट में कॉटन प्लेन मटेरियल है और कुर्ते की जो लेंथ है ना आपके काफ लेंथ तक रहने वाली, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पीटिस है और फ्रंट में और बैक में राउंड नेक दे रखा है और नेक पे ना ये आपको एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया हुआ मिल जाएगा काफी खूबसूरत और दोनों तरफ ना प्यारी सी छोटी सी लेस लगा रखी है और बाकी पूरे कुर्ते में ना आपको छोटी छोटी सी बूटी देखने के लिए मिल जाएगी फ्लोरल की काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है इसमें ना थ्री फोर्थ स्लीव दे रखी है और स्लीव्स के यहाँ पे ना कुछ बॉटम में ऑर्गेंजा का फैब्रिक एड किया गया है स्लीव्स को काफी ज्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कट वर्क किया गया है और इसपे ना थ्रीड का यूज करके एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया गया है फ्लोरल प्रिंट बनाया गया काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है दुपट्टे पे काफी ज्यादा डिटेलिंग की है काफी खूबसूरत लग रहा है ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है आप देख सकते हो और यहाँ पे ना कुर्ती के एंड में यहाँ पे भी आपको ऑरगेंजे का कुछ पीस ऐड किया हुआ मिल जाएगा तो काफी ज्यादा तो खूबसूरत लग रहा है वर्क किया गया है और यहाँ पे भी थ्रीड का यूज किया गया है काफी खूबसूरत सी डिजाइन बनाई गई है एम्ब्रॉयडरी की तो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है इसकी जो प्राइस है वन इसकी प्राइस है इसके बॉटम में आपको मिल रहा है प्लाजो सेम ही कलर का और सेम ही मटेरियल का आपको प्लाजो मिल रहा है आप देख सकते हो सेमी इलास्टिक की प्लाजो है बैक के साइड में आपको इसमें इलास्टिक मिलने वाला फ्रंट के साइड में इलास्टिक नहीं मिल रहा है इसके भी बॉटम में आपको ऑर्गेंजा का फैब्रिक एड किया हुआ मिल जाएगा जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया गया है काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है ये भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है इसकी जो लेंथ है ना आपके एंकल लेंथ तक रहने वाली है इसके साथ में दुपट्टा मिल रहा है दुपट्टे का जो मटेरियल है ना आर्ट सिल्क है सिल्क का मटेरियल बीच में ऐड किया गया है उसके साइड में ना उसके बॉर्डर पे ऑर्गेंजा का मटेरियल यूज किया गया एक है एक बॉर्डर बना रखा है ऑर्गेंजा का यूज करके जो आपको दोनों ही साइड देखने के लिए मिल जाएगा कट वर्क के साथ और उसमें एम्ब्रॉयडरी का भी यूज किया गया है प्लॉर्ट्स बना रखे हैं काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है इसका कलर भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ऑलिव ग्रीन कलर है आप इसे किसी भी फेस्टिव में यूज कर सकते हो ओकेजनली आप इसे वियर कर सकते हो किसी भी पार्टी वगैरह के लिए यूज कर सकते हो फेस्टिवल पे यूज कर सकते हो काफी प्यारा सा और खूबसूरत सा सेट है काफी डिस्टेंट सा लगता है वियर करने के बाद में और फिट भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है आप ट्राई ऑन में देख ही सकते हो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है इससे आप हैंड वॉश नहीं कर सकते इसे आपको सिर्फ ड्राई क्लीन कराना होगा पर बहुत ही खूबसूरत सा सेट है तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो

इसमें ना राउंड नेक दे रखा है और नेक पे ना आपको इस तरीके का सीक्वेंस का थ्रीड का वर्क किया हुआ मिल जाएगा काफी रिच सा वर्क किया गया है इसके नेक पर यहाँ पे आपको फैंसी से बटन भी देखने के लिए मिल जाएंगे सिर्फ शो के लिए लगाए गए हैं इसके साथ में आपको यहाँ पे एक दे रखा है ताकि इसे खुलकर आप इजिली वियर कर सकते हो इसके साथ में आपको फुल स्लीव मिल रही है फुल स्लीव यहाँ तक रहने वाले आपको ट्राइवन में दिख जाएगा और यहाँ पे ना एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर लगा रखा काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है इसके साथ आपको कुछ करने की जरूरत है जो आपको पूरे ही ड्रेस में मिल जाएगा पूरी कुर्ती में बॉटम तक अस्तर है स्लीव्स में नहीं है सिर्फ ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है आप देख सकते हो इसका कलर काफी ज्यादा प्यारा है यार काफी ज्यादा इसका प्यारा कलर है वीडियो में मुझे पता नहीं आपको कैसा लग रहा है पर मुझे ना यहाँ देखने में काफी ज्यादा रिच लग रहा है काफी खूबसूरत सा है इसके बॉटम में आपको फिर से ये बॉर्डर देखने के लिए मिल जाएगा बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर है काफी ज्यादा रिच लुक दे रहा है काफी ज्यादा क्लासी लग रहा है वियर करने के बाद में तो इसकी जो प्राइस है ना एट सेवेंटी नाइन रुपीज है सिर्फ एट सेवेंटी नाइन रुपीज में आपको लिबास ब्रांड का इतना खूबसूरत सा कुर्ता मिल रहा है और ये वियर करने के बाद में इतना रिच लुक देने वाला है ना ट्रस्ट में इसके बॉटम में आप चाहो तो सेम मरून का कलर का पेंट वियर कर सकते हो स्ट्रेट पेंट या फिर आप गोल्डन कलर का भी पेंट या प्लाजो वियर कर सकते हो दोनों ही इसके साथ काफी ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं और काफी ज्यादा आपका पूरा एक लुक रेडी हो जाएगा इसे आप ओकेजनली वियर कर सकते हो फेस्टिव के लिए या फिर किसी शादी में आप एज ए वेडिंग जा रहे हो वहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा सही लगेगा और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अफोर्डेबल है सिक्वेंस का वर्क किया गया है थ्रीड का काफी नीट एंड क्लीन और काफी रिच सा वर्क है आप देख सकते हो तो मेरे हिसाब से ना ये भी आज की एक मस्ट है कुर्ती मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप ना ये कुर्ती जरूर बाय कीजिएगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी और इसके साथ में ना दो एक्स्ट्रा बटन भी दे रखे हैं इन केस अगर आपका बटन खो जाता है आप इसे खो देते हो तो आप ये वाला बटन यूज कर सकते हो तो ये एक इस टाइप की कुर्ती है कि आपका बोर्ड्रॉब एक ऐसी कुर्ती तो डिजर्व करता है तो का अच्छा जो हमारा नेक्स्ट कुर्ता सेट है ना ये भी थ्री पीस कुर्ता सेट है ग्रीन कलर का ये कुर्ता मिल रहा है आपको अनारकली कुर्ता है जिसमें वी नेक दिया गया है जनाशिया ब्रांड का ये कुर्ता है आप देख सकते हो जनाशिया ब्रांड का ये कुर्ता सेट है पूरा कुर्ता सेट है इसका जो मटेरियल है ना जॉर्जेट मटेरियल में आपको ये मिल रहा है अंग रखा पैटर्न में ये दे रखा है आप देख सकते हो गोटा पत्ती की लेस लगी है यहाँ पे और अंग रखा पैटर्न इसको बनाया गया है यहाँ पे डोरी भी लगा रखी है और उसके साथ में ना खूबसूरत से और प्यारे से फैंसी से आपको टेजल्स भी मिल जाएंगे फ्लेयर देखिए आप इसका काफी ज्यादा अच्छा सा इसका फ्लेयर है और इसके अंदर ना आपको अस्तर भी मिल रहा है अस्तर का जो मटेरियल है ना काफी ज्यादा अच्छा सा है आप देख सकते हो तो काफी रिच क्वालिटी का प्रीमियम क्वालिटी का इसमें अस्तर यूज किया गया है इसके साथ में स्लीव्स मिल रही है थ्री फोर्थ स्लीव्स है रेगुलर स्लीव्स है इसके साथ में गोटापत्ती की लेस लगा रखी है बाकी पूरे ही कुर्ते में आपको फ्लोरल का प्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा पिंक कलर के फ्लोरल का प्रिंट आपको पूरे ही कुर्ते में देखने के लिए मिल जाएगा कुर्ते की जो लेंथ है ना आपकी काफ लेंथ तक रहने वाली है 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 ये 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 इसका है और ये इसका फ्रंट और और बैक है, आप देख सकते हो मेरे जो हाइट ना 5354 है और मुझे ना मुझे काफ लेंथ तक आ रहा था तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि उसके हिसाब से आपको कहाँ तक आने वाला है तो बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही प्रीटी सा है और इसका जो फिट है ना आप ऑन में देख ही सकते हो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है मीन लूज भी नहीं है बहुत ज्यादा और टाइट और फिट भी नहीं है तो मुझे तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगा इसका फिट और आप इसे इजीली घर पे हैंड वॉश या मशीन वॉश कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका कलर नहीं जाने वाला इसका मटेरियल जॉर्जन मटेरियल है तो ये खराब भी नहीं होने वाला है तो आप इसे इजीली घर पे मशीन वॉश कर सकते हैं इसके बॉटम में आपको वाइड लेग प्लाजो मिल रहा है आप देख सकते हो फूली एलास्टिक है इसके फ्रंट में और बैक में दोनों ही साइड में अलास्टिक देखा और इसका भी फिट ना काफी ज्यादा अच्छा है वाइड वाइडलेथ प्लाजो है सेम मटेरियल और सेम प्रिंट में ये मिल रहा है जॉर्जेट का इसमें मटेरियल यूज किया गया है और इसके भी बॉटम में ना आपको पूरे में अस्तर देखने के लिए मिल जाएगा इसकी जो लेंथ है ना मुझे फुल ग्राउंड फ्लोर तक रह रहा था एंकल लेंथ से भी नीचे था ट्रायोन में देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर तक मुझे इसकी लेंथ रह रही थी तो अगर आपकी हाइट मुझसे ज्यादा है तो आपको ये एंकल लेंथ तक रहने वाला है इसमें भी सेम ही प्रिंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा काफी खूबसूरत सा और प्यारा सा इसमें प्रिंट किया गया है इसके साथ आपको दुपट्टा मिल रहा है दुपट्टा आपको कॉन्ट्रास्ट में मिलेगा दुपट्टे का जो मटेरियल है पॉलिसी फोन है इसका मटेरियल इसमें आपको चारों तरफ गोटा पत्ती की लेस लगाई हुई मिल जाएगी पिंक कलर का आपको ये दुपट्टा मिल रहा है काफी प्यारा सा दुपट्टा है और काफी ज्यादा लाइट वेट है आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और दुपट्टे की जो लेंथ है ना काफी ज्यादा अच्छी है आप देख सकते हो काफी अच्छी खासी सी इसकी लेंथ है और बहुत ही सॉफ्ट सा है पॉलिसिकॉन है अफकोर्स तो काफी ज्यादा सॉफ्ट सा है और कैरी करने में ना उतना ही ज्यादा इजी है तो इसकी जो प्राइस है वन थाउजेंड नाइन इसकी प्राइस है तो ये भी ना एक मस्ट हैव कुर्ता सेट है बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा इसे भी आप ओकेजनली वियर कर सकते हो किसी पूजा वगैरह में या फेस्टिव पे वियर कर सकते हो पार्टी वियर के लिए यूज कर सकते हो तो काफी खूबसूरत सा और प्यारा सा कुर्ता सेट है तो आज की जो हमारी लास्ट कुर्ती है ये व्हाइट कलर की एक सिंगल सी कुर्ती है इसके बॉटम में कुछ भी नहीं है तो ये इसका जो मटेरियल है ना विस्कोस एंड रियोन मिक्स साइज का मटेरियल है ए लाइन कुर्ता है ये एक इसकी जो लेंथ है ना आपके नी लेंथ तक रहने वाली है इसमें थ्री फोर्थ स्लीव दे रखी है स्लीव्स पे आपको यहाँ पे एक अलास्टिक मिलने वाला है तो जिसकी वजह से ना ये स्लीव्स का जो लुक है ना तो सा पफी साइज का लुक आने वाला है इसके फ्रंट में आपको वी नेक दे रखा है अंग रखा टाइप का इसका पैटर्न है थोड़ा सा और इसके नेक पे ना आपको इस टाइप का पोल्स मिरर का वर्क मिल जाएगा थ्रीड के साथ में एम्ब्रॉयडरी का भी वर्क किया गया है साथ में और फोर्स मिरर का भी यूज किया गया है बाकी इस पूरे कुर्ते में आपको ना प्रिंट मिलेगा काफी खूबसूरत सा और प्यारा सा प्रिंट है आप देख सकते हो फ्लेयर इसका ज्यादा नहीं है क्योंकि ये एक ए लाइन कुर्ता है ये इसका फ्रंट था और ये इसका बैक है आप देख सकते हो एंड ये व्हाइट कलर का है तो ऑफकोर्स ये सी, सी थ्रू भी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसके अंडर आप स्पेगेटी वियर कर लीजिएगा बाकी काफी खूबसूरत सा और प्यारा सा कुर्ता है रेगुलर वियर के लिए एकदम सही है आपकी कॉलेज और ऑफिस के लिए भी परफेक्ट है डेली वेयर में आप इसे इजीली वियर कर सकते हो और समर का सीजन है तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहने वाले हो आप इसके साथ में मैंने इसके बॉटम में पिंक कलर का प्लाजो यूज करा था आप चाहो तो सेम वाइट कलर का भी यूज कर सकते हो या फिर पिंक पिंक कलर का प्लाजो या स्ट्रेट पेंट वियर कर सकते हो या फिर जिस तरीके का इसमें ब्लू कलर का थ्रेड यूज कर रखा है चौक ब्लू कलर का तो आप चाहो तो वैसा भी यूज कर सकते हो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कॉन्ट्रेस्ट में वियर कीजेगा ताकि उसका लुक ना सा ये है इसका मटेरियल भी काफी ज्यादा सही है और फिट आप ट्राई ऑन में देख ही सकते हो कि कि कितना ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे वियर करने के बाद में तो अगर आप इससे बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो बस कल आज की वीडियो में इतना ही था आई होप आज का ये कलेक्शन आपको पसंद आया और आपके लिए यूजफुल रहे अगर आप इसमें से कुछ भी बाय करना चाहते हो तो आपको पता ही है लिंग आपको कहाँ मिलेगी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी जहाँ पे आप क्लिक करके होल पैक के स्टोर पर पहुंचोगे और वहां से आप बहुत ही इजिल इन्हें बाय कर सकते हो अगर तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं ना हर दूसरे दिन एक नया हॉल वीडियो लेकर आ रही हूँ तो अगर आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर